हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के पहले लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में बोलें तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, ठीक है, और बेसिक के साथ चलेंगे, यानी आपको कहीं भी इस लेसन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। आपको बारीकी से इतना समझाया जाएगा इसके बेसिक को कि इस लेसन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लेसन क्या मैं आपको कहूं बेटा, किस बुक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इतना स्टैंडर्ड तरीके से मैं बेसिक आप लोगों को लेकर के चलूंगा कि आपको किसी भी टॉपिक्स को समझने में इस बुक के कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको सिर्फ करना इतना होगा बेटा कि देखिए, यदि आप वीडियो को आप देख रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, तो मेरा अगर आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि आप भी अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए, क्योंकि मैं देखिए आपको जितना भी सिलेबस पढ़ाऊंगा फिजिक्स का, ए टू जेड सिलेबस आपको फिजिक्स का पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ का, तो सेम इसी टाइप से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं नोट्स बना करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, और चाहे आपका जो न्यूमेरिकल रहेगा, चाहे वो आर्टिकल रहेगा, उसको मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि कॉपी पेन निकल करके तैयार हो जाइए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। और ये मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ बेटा, आपके काम में आएगा ये मैं मानता हूँ कि मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा ये अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। लेकिन आपको 2 दिन 4 दिन याद रख पाएंगे लेकिन फिर उसको भूल जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए बेटा कि आपको तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने, ठीक है, तो आपको लाइफ टाइम उसको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब लाइफ टाइम कैसे याद रहेगा, है ना, बात समझ में आ रही है, बहुत सारा सिलेबस आपके पास रहेगा लेकिन जब नोट्स बना हुआ होगा बेटा आपके पास, ठीक है, तो आप उसको जहाँ भी कोई डाउट लगा आप लोगों को, ठीक है, यानी कोई टॉपिक आपका समझ में नहीं आ रहा, तुरंत आपने नोट्स खोल कर देखा और अपना डाउट क्लियर हो गया। तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये बेटा कि प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल इतना क्लैरिटी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँ स्टैंड कि एक बार मैं मानता हूँ कि अगर एक बार पढ़ करके देखें तो आपको बिल्कुल आनंद ही आनंद हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। और दूसरी बात ये बेटा कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि केवल और केवल एनसीईआरटी सिलेबस पे ही फोकस कीजिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि देखिए, जब से यूपी बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस आया है बेटा, तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें बोर्ड एग्जाम के, तो टोटल ए टू जेड सिलेबस यानी 100% आपका से जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही रखा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ज़्यादातर मेरा आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके एनसीईआरटी सिलेबस पे ही फोकस कीजिए। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अपने फिजिक्स अपने जो चैनल है, ठीक है, हम जितना भी फिजिक्स का सिलेबस पढ़ेंगे अर्थात ए टू जेड सिलेबस पढ़ेंगे, हम केवल और केवल एनसीईआरटी सिलेबस ही पढ़ेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे वो उसके आर्टिकल्स हो बेटा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को और देखते हैं क्या है आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि पहले लेसन का जो नेम है क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो स्टूडेंट जैसे कि नाम आपने देखा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा लेसन को अच्छा समझने के लिए इसके लेसन का नाम का मीनिंग का, यानी मीनिंग का क्या मीनिंग है, यानी इसका जो नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका हिंदी में क्या अर्थ है, यानी वैद्युत क्या होता है कहने का मतलब मेरा ये है, आवेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को अगर आप अच्छे से जान गए तो आपको 100% ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको इस लेसन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले हम आज के इस लेक्चर में हम वैद्युत को जानेंगे, वैद्युत क्या होता है, साथ ही साथ बेटा हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं पहले वैद्युत क्या होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है वैद्युत, ठीक है। देखिए वैद्युत या वैद्युत की, क्योंकि वैद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक, ठीक है, और वैद्युत की को बोला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और समझ में आ रही है। तो वैद्युत और वैद्युत की, ठीक है, एक ही बात है, बात को समझते रहना मेरा, है ना। तो देखिए क्या होता है वैद्युत, देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आवेशों को स्टडी किया जाता है, या आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत या वैद्युत की कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है, वैद्युत अथवा वैद्युत की, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत अथवा वैद्युत की कहलाता है। बात समझ में आई होगी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, वैद्युत या वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आवेश की स्थिति के आधार पर, आवेश की स्थिति के आधार पर ये जो वैद्युतिकी है बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए यदि आवेश किसी वस्तु पर, यदि आवेश किसी वस्तु पर रुका हुआ है अर्थात विराम अवस्था में बेटा, तो उस स्थिति में हम आवेश का जब अध्ययन करते हैं ठीक है, तो वो कहलाता है आपका स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस समझ में आई, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आवेश की स्थिति के आधार पर जो वैद्युतिकी है ठीक है, वो दो प्रकार की होती है। यानी आवेश किसी वस्तु पर स्थिर है अर्थात विराम अवस्था में, तो वो आपका कहलाता है बेटा स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, और बात करते हैं इसके दूसरे टाइप्स की। दूसरा टाइप है आपका गतिक वैद्युतिकी। तो गतिक वैद्युतिकी क्या होता है बेटा, देखिए जब आवेश किसी बॉडी पर चलता है यानी किसी वेग से चलता है यानी गतिमान होता है ठीक है, तो उस स्थिति में यानी गतिमान आवेश का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो कहलाता है बेटा आपका गतिक वैद्युतिकी। चलिए देखिए अब मैं स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन को समझाता हूँ। तो देखिए मैं लिखा वैद्युतिकी को दो भागों में बांटा गया, नंबर एक स्थिर वैद्युतिकी, नंबर दो गतिक वैद्युतिकी। तो पहले हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या देगी, बात को समझे। स्थिर वैद्युतिकी क्या देगी, जब हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, जब हम स्थिर, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी मैं आपको बता रहा था, इसमें जो आवेश रहेगा क्या रहेगा बेटा, स्थिर रहेगा। यानी आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई मेरे पास कोई वस्तु है ठीक है, इस पर जो चार्ज है आपका यानी आवेश को हम क्या लिखते हैं बेटा, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे जब आवेश के डेफिनेशन को बताएंगे तो आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। अगर ये आवेश आपका बेटा विराम अवस्था में है अर्थात ये आपका स्थिर है यानी रेस्ट पर है ठीक है, और जब आवेश किसी वस्तु पर रेस्ट पर है और रेस्ट पर जब आवेश होता है तब जब हम उसके गुणों का अध्ययन करते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है बेटा, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, जब हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं तो वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो मैंने आपको बताया, ये कोई वस्तु जिस पर आवेश क्या रेस्ट पर यानी स्थिर अवस्था में यानी विराम अवस्था में है ठीक है, और इस विराम अवस्था में जो आवेश है तब हम इसके गुणों का अध्ययन जो करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, आपका स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा कि गतिक वैद्युतिकी क्या होता है। ठीक है, गतिक वैद्युतिकी क्या होता है यानी मोशन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब हम गतिमान आवेश, देखिए बात को समझे, बस यहीं पर फंडा है सारा, ये स्थिर वैद्युतिकी था तो इसमें आवेश क्या था, स्थिर था, लेकिन ये गतिक वैद्युतिकी है, बात समझ में आ रही है, तो ये आपका कहलाएगा आपका, देखिए इसमें गतिक वैद्युतिकी में क्या रहेगा, जब हम गतिमान आवेश यानी इस बात को समझ, देखिए यहाँ पे आवेश क्या था, स्थिर था, यहाँ पे आवेश क्या रहेगा बेटा, गतिमान रहेगा। यानी जब किसी वस्तु पर आवेश क्या मूव करता है यानी गति करता है तो हम उस क्षण जब आवेशों का अध्ययन करते हैं यानी गतिमान आवेश का जब हम इसके गुणों का अध्ययन करेंगे तो वो आपका कहलाएगा बेटा आपका गतिक वैद्युतिकी। देखिए सुनिए मेरी बात को समझें, जब हम गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं तो वह गतिक वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपने देखो जैसे मान लीजिए गतिक वैद्युतिकी का मैं एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आपने देखो आपके घरों में लाइट आ रही है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, अल्टरनेटिंग करंट प्रतिवर्ती धारा हम जिसको बोलते हैं, तो वो क्या आता है बेटा, वो आपका गतिक वैद्युतिकी के अंतर्गत ही आता है। बस में वो आपका क्या आता है, गतिक वैद्युतिकी के अंदर, यानी किसी वायर के अंदर यानी किसी तार के अंदर करंट का चलना बेटा ठीक है, किसी भी ओर को स्टैंड, बस में आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा आपका गतिक वैद्युतिकी कहलाएगा। बस समझ में आ रही है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम वैद्युतिकी को दो टाइप से पढ़ेंगे ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा पढ़ेंगे हम गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होगी कि किसी वस्तु पर यानी किसी बॉडी पर चार्ज क्या रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, लेकिन गतिक वैद्युतिकी में क्या रहेगा कि जो अपना आवेश है ठीक है वो किसी ना किसी वेग से गतिमान रहेगा अर्थात तार के अंदर करंट चल रहा होगा स्टैंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये बात उम्मीद करता हूँ कि दोनों बातें आपको अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए एक बार मैं बच्चों आपको बताता चलूं, इसे स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी है और आपकी किताब है ठीक है, तो देखिए मैं बताऊं इसमें जो पहला लेसन है, एनसीईआरटी वाली बुक की बात कर रहा हूं मैं, किसी साइड बुक की बात नहीं कर रहा हूं, पहले ही बता चुका हूं कि मैं ए टू जेड जो सिलेबस पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी वाला ही पढ़ाऊंगा ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको जो पहला लेसन तो यही है जो आप देख रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ठीक है, और इसका जो दूसरा लेसन है वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी पहला और दूसरा जो लेसन है वो हम पढ़ते हैं बेटा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। किसे पढ़ते हैं बेटा, हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं, यानी पहले लेसन में और दूसरे लेसन में हम आवेश का जो अध्ययन करेंगे वो उस स्थिति में करेंगे कि आवेश किसी वस्तु पर विराम अवस्था में रहेगा।
तो याद रखें, ये आपको मैं एडवांस से बता रहा हूँ कि पहला और दूसरा लेसन जब पढ़ेंगे हम, वो हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ेंगे, और इससे आगे के जब लेसन आएंगे, जैसे तीसरा लेसन आएगा आपका वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है, और इसका चौथा आवेश, चौथा जो लेसन आएगा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो नाम ही क्लियर हो रहा है, देखिए तीसरे लेसन का नाम है वैद्युत चालन, वैद्युत मतलब करंट का चलना, चौथे लेसन का नाम है गतिमान आवेश, तो उसमें क्लियर हो रहा है कि आवेश चल रहा है, तो उनको हम पढ़ेंगे बेटा किसमें, गतिक वैद्युतिकी के अंदर, किसमें पढ़ेंगे हम बेटा गतिक वैद्युतिकी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे सामने आ चुकी होगी स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा, देखिए वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इसकी मैं एक नहीं बल्कि आपको दो दो डेफिनेशन समझाऊंगा बेटा, एक नहीं बल्कि दो दो डेफिनेशन आपको बताऊंगा, मैंने एक तो आपके लिए स्क्रीन पर लिख रखी है, ठीक है, और दूसरी मैं आपको अभी ओरली आपको बताऊंगा। तो पहले मैं उसको समझाऊंगा जो आपके स्क्रीन पर लगी है स्टैंड, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले इसकी, ये जो स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखी है, पहले उसको बता रहा हूँ ये क्या है। देखिए जिस मूल कारण की उपस्थिति से, जिस मूल कारण की उपस्थिति से किसी वस्तु में दूसरी वस्तुओं को या अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, कहलाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। एक बार फिर समझें, देखिए मैं स्क्रीन पर जो लिखा उसको समझा रहा हूँ। देखिए वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, देखिए जिस मूल कारण की उपस्थिति से, जिस मूल कारण की उपस्थिति से किसी वस्तु में, ठीक है, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, कोमा वैद्युत आवेश कहलाता है। तो यहां तक तो इसकी बेटा डेफिनेशन हो गई, यहां से लेकर के यहां तक इसकी बेटा क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैद्युत आवेश को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम धारा को जानते हैं, धारा को आई से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, आई से लिखते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, विभव को वी से लिखते हैं, इसी प्रकार आवेश को जो लिखते हैं बेटा हम कैसे लिखते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए आवेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उनको याद करें आगे क्या। देखिए वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, ठीक है, यानी इसका जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी वैद्युत आवेश का, वो क्या बेटा, कूलाम है, ठीक है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, यानी कहने का मतलब ये है कि राशियां आपकी दो प्रकार की होती है, सदिश और एक अदिश, तो ये सदिश राशि नहीं है, यानी कि दिशा पर डिपेंड नहीं करती है, बस समझा रही है, ये अपने परिमाण पर निर्भर करती है। तो फिलहाल अभी तो इतना याद रखें कि जो वैद्युत आवेश है एक अदिश राशि, कैसे बेटा, अदिश राशि है। देखिए तो ये दो बातें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट बातें आवेश के बारे में, इसका मात्रक क्या है, कूलाम है, और इसके ये जो है एक अदिश राशि है, यानी आपकी ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है स्टैंड, ठीक है। तो बात करते हैं देखिए इसकी डेफिनेशन की, मैं आपको बता रहा था कि मैं दो डेफिनेशन यानी इसकी दो दो परिभाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई, जिस मूल कारण की उपस्थिति से, ठीक है, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने, अपनी ओर आकर्षित, और एक सिंगल मात्रा आएगी इसमें ना, अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, कोमा वैद्युत आवेश कहलाता है। तो एक डेफिनेशन तो बेटा ये हो गई, ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ इसकी दूसरी परिभाषा, अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी दूसरी परिभाषा देखना चाहें तो मैं इसको आप और में करके लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है, आपको ये बेटर लग रही है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ दूसरी डेफिनेशन, अगर आपको वो बेटर लग रही तो आप उसको लिख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। और मैं इसको अभी थोड़ा सा आपको आवेश के बारे में आपको जानकारी भी दूंगा, ठीक है, कि और भी मतलब प्रैक्टिकली बताऊँ आप लोगों को, तो ध्यान से समझें। देखिए तो दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी दूसरी परिभाषा क्या है वैद्युत आवेश की, ठीक है। देखिए वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, बात को समझें, वैद्युत आवेश द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, द्रव्य होता है क्या, द्रव्य प्रत्येक वह पदार्थ जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, और वो स्थान घेरता हो, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसके अंदर अपना कोई वजन है, और ये किसी को मैं कहीं पर रखूंगा तो ये स्थान भी घेरेगा, बात समझ में आ रही है, तो ये भी एक द्रव्य है, बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ किसकी, वैद्युत आवेश की दूसरी परिभाषा, एक तो मैंने स्क्रीन पर ये लिख रखी है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे का, है ना, लेकिन अब मैं आप दूसरी परिभाषा बता रहा हूँ। देखिए वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबक के प्रभाव उत्पन्न करता है, बात समझ में आ रही है, एक बार समझें, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण
वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। बस समझ में आई मेरी? तो दो परिभाषा मैंने आपको बताई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ओरल वाली परिभाषा को, ठीक है। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, ठीक है। बात समझ आई? तो ये परिभाषा हो गई। और इस हम मेनली क्या है बेटा, आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैद्युत आवेश का जो मात्रक है बेटा क्या है, वो कूलाम है, और वैद्युत आवेश से क्या बेटा अदिश राशि है। ये इसके बारे में आपको, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, वैद्युत आवेश जो है यानी इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो दो प्रकार का होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। देखिए, एक तो होता है आपका बेटा धन आवेश, और दूसरा होता है बेटा आपका ऋण आवेश, ठीक है। अभी धन आवेश ऋण आवेश क्या होता है, देखिए मैं बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जब मेरा लेक्चर आएगा तो किसी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, इसकी तीन विधियाँ हम पढ़ेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट विधियाँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि आवेश को आप कैसे देख सकते हैं स्टैंड, ठीक है। मान लीजिए देखिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ स्टैंड, मैं इसी को देख के रब कर रहा हूँ, ये आपको बताने की चीज़ नहीं है। आप केवल और केवल आप केवल इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना नोट्स बनाने के लिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा आप लोगों से कहना है ना, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा आप जानकारी देता हूँ आवेश के बारे में, ये एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रियल में फील आए कि आवेश होता क्या है स्टैंड। देखिए स्टैंड, मान लीजिए मेरे पास सोडियम का एक एटम है, मेरे पास सोडियम का क्या है, एक एटम है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया, तो ये बनाएगा बेटा एन ए प्लस, क्या बनाएगा, एन ए प्लस बनाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया वो ये गया। बात समझ में आ रही है? यानी कोई सोडियम का मैंने एटम लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे इसने निकाला हुआ अपने अंदर से, बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब है ये जो एन ए था ये एन ए प्लस बना, बात समझ में आ रही है? तो ये एन ए प्लस कैसे बना, बात समझ में आ रही है? इसका जो इसकी जो आवेशन की जो विधियाँ मैं पढ़ाऊंगा तीन विधियाँ उसमें आपको क्लियर होगा, लेकिन बता रहा हूँ कि आवेश क्या होता है। देखिए, जब सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये जो इस पर एक प्लस आया, ये जो इस पर एक प्लस आया बेटा, यही प्लस क्या कहलाता है, आपका धन आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? धन आवेश कहलाता है। अब ये वस्तु प्लस कैसे बनती है, माइनस कैसे बनती है, ये जो आवेशन की विधियाँ हैं, मेरा वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा स्टैंड, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन यानी धनायन बना रहा है, तो ये जो प्लस का आप साइन देख रहे हैं यही आपका धनायन है। क्या है? यानी यही जो प्लस आपका आपका धन आवेश है, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा ऋणावेश की बात कर लें, ऋणावेश की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। मान लीजिए क्लोरीन, ये क्लोरीन है, अगर ये Cl एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एस्केप कर ले, अर्थात ग्रहण कर ले, बात समझ में आ रही है? यानी केमिस्ट्री की भाषा थोड़ी सी आपको समझ में आ रही होगी। तो जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है बेटा, तो अपने ऊपर क्या लेकर आती है, माइनस साइन लेकर के आती है। क्या लेकर आती है बेटा? माइनस साइन। तो यही जो माइनस है बेटा, ये आपका ऋण आवेश है। बात समझ में आई? यानी ये जो आप सोडियम आयन के ऊपर प्लस देख रहे हैं, ये आपका क्या है बेटा? धन आवेश है। और जो क्लोरीन के ऊपर आप माइनस देख रहे हैं, ये क्या बेटा? आपका ऋण आवेश है, यानी जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि आवेश जो होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है बेटा आपका धन आवेश, और दूसरा होता है बेटा आपका ऋण आवेश। अब ये सोडियम के ऊपर प्लस कैसा आया, Cl के ऊपर माइनस कैसा आया, ये जब मैं आवेशन की विधियां मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्टैंड, तो आपको रियल में फील आएगा कि हाँ, कि किसी वस्तु को चार्ज कैसे किया जाता है, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को किस प्रकार हम भेज सकते हैं स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम इतना ही रोकेंगे, ठीक है। और ये बेटा आपकी एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई है, चाहे तो इसको अलग से आप बेटा नोट कर सकते हैं। ये जो प्लस है आपका धन आवेश है, और ये जो माइनस है आपका बेटा ऋण आवेश है स्टैंड, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए स्टैंड, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर आपको बेटा लेक्चर अच्छा लगा, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये बेटा कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। 12th क्लास में हैं, ठीक है, और आप स्टैंडर्ड तैयारी करने जाते हैं, तो हम A to Z सिलेबस आपको बेटा इसी तरीके से बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ का न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, किसी आर्टिकल का सूत्र प्राप्त करना, सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल फेस टू फेस दिखाएंगे। तो इस प्रकार का नोट्स बनाने के लिए और आप लोगों को वीडियो समय से आए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा इस टाइम, ठीक है। तो यानी सीधा सीधा अगर आपसे मैं कहूँ बेटा, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे आपके नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।